जरूरत है, बच्चे हो चाहे बड़े हो, हम उन सबका इलाज करेंगे, संपूर्ण तरीके से राय देंगे, इलाज के बाद उपरांत भी हम यहीं पे देख लेंगे, उनको आना नहीं पड़ेगा। ठीक है, गैलेक्सी हॉस्पिटल के साथ मिलकर करी जाएगी। ऐसे वो समस्त मरीज जिनको कि हार्ट सर्जरी की जरूरत है, उनको हम परामर्श देंगे, सही राय देंगे और बताएंगे कि कितनी जल्दी कितना लेट क्या खर्चा आएगा और उस खर्चे के लिए हम कोई सरकारी मदद भी दिला सकते हैं क्या। हम तमाम जानकारी इस उम्मीद तो लखनऊ में होगा क्योंकि उसके लिए टीम चाहिए है, पर ऑपरेशन के उपरांत बहुत सारे मरीजों को देखा जाता है तो उनके लिए भी एक सहायता हो जाएगी कि मैं बनारस आऊंगा और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट ऑपरेशन के बाद। इसमें मैं हर महीने चौथे शुक्रवार को फोर्थ फ्राइडे को यहाँ पर आके एक ओपीडी करूंगा। इस ओपीडी में मैं वो हर मरीज जिनको की जरूरत है, किसी को हार्ट सर्जरी, किसी को बाईपास की जरूरत है, किसी को वाल्व बदलने की जरूरत है, मैं ऐसे सारे मरीजों को परामर्श दूंगा, सही रास्ता बताऊंगा कि इनकी बीमारी के लिए क्या सही है, क्या अवेलेबिलिटी है और आसानी से हो सकता है, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कोई सरकारी सहायता इनको मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, जिससे कि इनका धन भी यूटिलाइज हो और कम लगे किसी भी जरूरतमंद के लिए। युवाओं में इस तरह की बीमारी तेजी से फैलना, इसके पीछे का क्या कारण? युवाओं में ये एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि युवाओं में ये बहुत तेजी से मैं देख रहा हूँ। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था आज से कुछ समय पहले, 15 साल पहले, तब मैं देखता था कि साल में कोई एकाध करते थे, आज हर महीने में हम 2 बाईपास सर्जरी कर रहे हैं और ना जाने कितने लोगों की स्टेंटिंग हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण मैं जो देखता हूँ ये एक स्ट्रेस है, हम लोग की लाइफ में बहुत स्ट्रेस आ गया है। पहले खान पान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम घर के बाहर रहते हैं, खान पान बाहर का खाते हैं और व्यायाम जो है व्यायाम बहुत कम हो गया है। पहले आदमी के पास साइकिल और ये सब चीजें होती थी, आज मोटरसाइकिल कार रहती है, व्यायाम कम हो गया है, खान पान ऊपर नीचे हो गया है, बाहर का बहुत हो गया है और साथ ही साथ एक स्ट्रेस फैक्टर है। पहले ये स्ट्रेस फैक्टर इतना नहीं होता था, आज हम सबको, मेरे आपको, हम सबकी जीवन में स्ट्रेस फैक्टर है, टू अचीव है, टू प्रूव आवर सेल्फ है, ये हमारे को कहीं ना कहीं इस तरफ जल्दी की तरफ ढकेल दे रहा है। सबसे पहले बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसके लिए क्या? हमने वही बताया कि किसी भी आज युवाओं को कम से कम रोज व्यायाम करना चाहिए, युवाओं के क्या हम सबको करना चाहिए, ये बचेंगे हम इससे कैसे कि हम व्यायाम करें, कुछ चीजों को तो हम बचा नहीं सकते। खान पान हेल्दी रखें, ऐसा नहीं कि आपको नहीं खाना है, बारिश हो रही है आपको पकौड़े खाने हैं तो आप खा सकते हैं, लेकिन हाँ अगले दिन आप 2 चक्कर फालतू चल लीजिए, ये हमारे को बैलेंस आउट करना है, ये ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारी रूमर्स फैल रहे हैं, जितनी बीमारियां हैं जो युवाओं में तेजी से फैल रही है, कहा जा रहा है कि वैक्सीन इन्फेक्शन के कारण। ये वैक्सीन मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, वैक्सीन में जो यूज करी गई है वो इनएक्टिवेटेड वायरस का पार्टिकल है, इनएक्टिवेटेड, तो हमारे को आपको लगेगा बुखार आ सकता है क्योंकि एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, पर उससे वायरस तो नहीं बना, हमको किसी को कोविड नहीं हुआ वैक्सीन लगाने से। पर मैं इसके लिए, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि मैं 100% इस चीज में पूरा ज्ञान रखता हूँ, इसके लिए और लोग हैं, ICMR और बाकी सब लोग हैं, पर मैं ये ऐसा नहीं, शुरुआत हर जगह होनी चाहिए, पर ये वैक्सीन से है ये कहना मुश्किल है। हम सबको वैक्सीन लगे या नहीं लगे, वायरस हम सबको पकड़ा था, किसी को तेज धीरे, तो कोविड पोस्ट कोविड ये चीज मिली है, ऐसा है, ऐसा इस चीज से इनकार नहीं है। आप गैलेक्सी के साथ उनके आपके हॉस्पिटल यहाँ पर ओपीडी चलाएंगे, यहाँ के मरीजों को क्या सुविधा? मरीजों को एक सबसे अच्छी सुविधा ये रहेगी कि उनको सही परामर्श मिलेगा। मेरा एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 13-14 साल का, मेरा एक्सपीरियंस है प्राइवेट हॉस्पिटल में, हमारे हॉस्पिटल में गवर्नमेंट से हम उनके अधीन है, हम गवर्नमेंट से हमारे को CM फंड की भी और PM फंड की भी राशि मिलती है जो कि गरीब मरीजों के लिए बहुत कारगर है, कि मरीजों को करीब अगर 2.5 लाख रुपए सरकारी मिल जाता है और बाईपास 2.75 का पैकेज होता है तो 25,000 में मैक्स में आप बाईपास सर्जरी करा सकते हैं। कई मरीजों का इलाज के दौरान रोग गंभीर रोग निकल जाते हैं, जो लखनऊ में खर्च है वो यहाँ पर उसके तुलना यहाँ कितना कम खर्च हो जाए? कहाँ पर? लखनऊ में जो लोग जाके इलाज कराते हैं, जो बाहर के ट्रीटमेंट और यहाँ बनारस में अंतर आ रहा इलाज कराएंगे, कितने कम रेट में उनका? मैं यहाँ पे ओपीडी करूंगा, मैं यहाँ पे ऑपरेशन नहीं करूंगा, मेरे को ऑपरेशन की एक टीम चाहिए होती है, मैं यहाँ पे ओपीडी करूंगा, तो ओपीडी तो सेम ही रेट पे है, पेशेंट का आने जाने का खर्चा बच जाएगा, पेशेंट के पूरा दिन का आना जाना, साथ में 2 और आदमी जाते हैं।
वो बच जाएगा। ओपीडी हर महीने में चौथे शुक्रवार को, फोर्थ फ्राइडे को होगी गैलेक्सी हॉस्पिटल में 11 से 1-2 बजे तक। नंबर है जो यहाँ पे मिस्टर अजीत है वो देखते हैं, वो आपको नंबर आपको प्रोवाइड करा देंगे। आयुष्मान कार्ड का लाभ लिया जा सकता है? आयुष्मान जो हॉस्पिटल डिपेंडेंट है, आयुष्मान डॉक्टर डिपेंडेंट नहीं है, तो हॉस्पिटल आयुष्मान हॉस्पिटल डिपेंडेंट है, हॉस्पिटल उससे परमिशन लेता है तो उसके थ्रू इनको इनरोल किया जाता है। देखिए गवर्नमेंट ने हर जगह के लिए प्लान बनाया है, ठीक। आपको एक बीपीएल कार्ड होता है जिसको कि हम गरीबी रेखा से नीचे कहते हैं, उनको आयुष्मान भी नहीं चाहिए, उनको वैसे ही पैसा मिल जाता है, फ्री इलाज होता है गवर्नमेंट में। आयुष्मान से गवर्नमेंट में बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं और कुछ प्राइवेट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर इसके बाद सीएम फंड आता है, सीएम फंड उनका आता है जिनकी गरीबी रेखा का नीचे नहीं है लेकिन आय कम भी है।